यहाँ भैया पार्किंग है, ये पार्किंग है, 30 रुपये पार्किंग मिलती है यहाँ पे। कैसा लगा भैया रॉक गार्डन घूम के आपको? बहुत बढ़िया लगा। पहली बार आए हो क्या? बहुत कंफ्यूजिंग था। अच्छा नहीं लगा मतलब? पार्किंग एकदम से फुल है यहाँ पे, फुल पार्किंग है यहाँ, पूरी पब्लिक भर के आई हुई है यहाँ। इसे रॉक गार्डन बोलते हैं और नेकचंद भी बोलते हैं, नेकचंद पार्क भी बोलते हैं। अडल्ट का 30 रुपये और चिल्ड्रन का 10 रुपये है यहाँ पे। इसमें क्या है, जैसे कोई सामान बचा बच जाता है और कुछ वेस्टेड होता है उसको यहाँ पर यूज़ किया गया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो प्लेट्स है, जितनी भी ये प्लेट्स लगी हुई है, मतलब कुछ वेस्टेड होती है उनको यहाँ पर, जैसे ये वाश बेसिन, बाथरूम और जिसकी टाइल्स होती है वहाँ उनसे उनको जोड़ कर, देखिए यहाँ पर वेस्टेड जितनी भी टाइल्स होती है वो जोड़ कर यहाँ पर उनको बिल्कुल सजाया गया है। ये देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए मटकों की लाइन लगी हुई है, जितने पुराने मटके टूट जाते हैं, लीकेज होते हैं, वो यहाँ पर इकट्ठे करके यूज़ किया गया है। आ चुका है यहाँ पे, एक वाटरफॉल है, वाटरफॉल के पास आ चुके हैं। ये देखिए मेरे पीछे वाटरफॉल है, ये देखिए, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे वाटरफॉल, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और आप यहाँ देख सकते हैं कितनी पब्लिक है, कितनी भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोयला होता है जो बच जाता है, कोयला जला हुआ कोयला यहाँ पर देखो इस्तेमाल किया गया, कैसे इस्तेमाल किया गया, दीवारें खड़ी कर दी गई है उसकी। देखिए बहुत बड़ी बड़ी दुकान कोयले की दीवारें खड़ी की गई है, कोयला बजरी जो बच जाता है उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। देखो जो वायर होती थी ना पहले, जो वायर के ऊपर ये कनेक्टर लगते थे, टूटे हुए कनेक्टर को यहाँ पर जोड़कर कुछ ऐसा इस तरह की दीवार की सजा दिया गया है। और ऊपर देखो दिए वगैरह सजाए हुए हैं, फ्यूज वगैरह जितने भी वायर के ऊपर लगता था, कनेक्टर लगते थे, वो सबको जो टूटे फूटे है उसको जोड़कर ये दीवार की तरह सजा दिया गया है। टूटे फूटे पत्थरों को भी ऐसे एक एक पत्थर को जोड़ कर ये यहाँ पर सजाया गया है। आप देख सकते हो एक बार फिर से
झरना आ गया है मेरे पीछे, ये उससे बड़ा झरना है, वाटरफॉल बहुत बड़ा है यहाँ पर। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एक नेशन सैनी जी ने बनाया था ये पार्क, और 40 एकड़ में बना हुआ ये पार्क है। और यहाँ पर देखने के लिए चीज़ें ऐसी है कि जो चीज़ें वेस्ट होती है, वेस्टेड होती है, जैसे कांच की प्लेटें हो गई है, प्लेट हो गई है, या टाइल्स हो गया है, कुछ भी कचरा जैसे जो सही रहते थे उनको चीज़ों को इकट्ठा करके यहाँ पर सजाया गया है, मूर्तियाँ बनाई गई है और दीवारों को सजाया गया है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो चीज़ें सब यहाँ पर दिखेगी आपको। यहाँ एक LED भी लगी हुई है जो कि थिएटर टाइप का लगता है, और यहाँ पर बैठने की जगह भी है, कुछ प्रोग्राम वगैरह होता है, जैसे कुछ भी कल्चर प्रोग्राम होता है तो यहाँ पर ऑडियंस का बैठने की जगह है। और यहाँ पर सामने LED लगाई हुई है, जहाँ से आप देख सकते हैं दीवारें जो की है कोयले की बनी हुई है, कोयला जो कचरे पर पड़ा होता है उस पर जोर के बनाया गया है, ये देखिए। झूले देखो, झूले लगे हुए बहुत बड़े बड़े झूले हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए सब लोग यहाँ झूले लगे, चारों तरफ झूले 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 लगे हुए हैं। यहाँ तक नजर जा रही है, सब झूले झूले नजर आ रहे हैं। ये देखिए कांच की चूड़िया जो होती है, ये देखिए जो कांच की चूड़िया होती है टूट जाती है, उसको देखो कैसे जोड़ जोड़ के ये आकृतियाँ बनाई गई है, ये आप देख सकते हैं। उसको कैसे इन्होंने यूज़ करके यह आकृति तैयार की गई है, देखिए। और जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पीछे बोर्ड भी लगा हुआ है रॉक गार्डन का, इसे नेकचंद पार्क भी कहा जाता है, और यह 9 बजे से लेके 6 बजे तक खुला जाता है, 9 बजे से लेके 6 बजे तक खुला रहता है। और इसकी जो टिकट है अडल्ट की 30 रुपये और बच्चों की 10 रुपये है। सुखना लेक पर पर्सन 350 रुपये फॉर हाफ एन आवर,
ये देखिए हाफ एन आवर का 350 रुपये लेते हैं ये। ये गाड़ी है और ये कितनी बड़ी लेक है देखिए। शिकारा भी है यहाँ पे, शिकारा। ₹500 2% फॉर 3 मिनट ओनली लाइफ रोड। सुखना लेक देखिए, मेरे पीछे सुखना लेक है जो कि 250 से 350 रुपये पर पर्सन का यहाँ पर राइड मिलता है, और अगर कपल है तो 500 रुपये में यहाँ पर राइड दी जाती है। अगर आप भी आना चाहते हैं यहाँ पर आइए, चंडीगढ़ अगर आप आते हैं तो ज़रूर यहाँ पर सुखना लेक में ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए राइड्स भी है।